नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सार्वजनिक जीवन के 20 वर्ष पूरे करने और उनके 71वें जन्मदिन के अवसर पर मनाए जा रहे सेवा व समर्पण अभियान के अंतिम दिन गुरुवार को रानीबाग में 71 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ का आयोजन भाजपा नेता जोगेंद्र खट्टर द्वारा किया गया है। इस दौरान रानीबाग की निगम पार्षद वंदना जेटली ने भी उपस्थित होकर प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। प्रधानमंत्री के स्वस्थ व दीर्घायु जीवन की कामना के लिए आयोजित किए गए 71 कुंडिया यज्ञ में 71 आदिवासी बच्चों ने भाग लिया, जिसमें आचार्य चंद्रशेखर ने विधिवत रूप से मंत्रोच्चारण के साथ हवन यज्ञ में पूर्णाहुति डलवाई। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन और उनके द्वारा सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष पूरे करने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक सेवा और समर्पण अभियान चलाया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं व अन्य कई संस्थाओं द्वारा कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह यज्ञ हवन का कार्यक्रम भी इसी का हिस्सा था। यज्ञ हवन के उपरांत जोगिंदर खट्टर और वंदना जेटली ने जनमत की पुकार से बात की। यहाँ पे पीएम मोदी के दीर्घायु के लिए 71 के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया, इस यज्ञ का क्या महत्व है? यज्ञ का तो बहुत महत्व होता है और एक आर्य समाज यज्ञ करता है तो उसकी तो खुशबू ही अलग होती है। ये सारा कार्यक्रम खट्टर जी के उसमें चल रहा है और जब मैंने एंटर किया तो इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा बस सिर्फ मोदी जी नहीं है यहाँ पर, बाकी उनको आशीर्वाद देने के लिए दुनिया इकट्ठी हुई है। मोदी जी को बहुत आशीर्वाद मिलता है और इस माध्यम से एक प्रभु से हम लोग कामना करते हैं कि मोदी जी स्वस्थ रहें और बढ़िया से देश को चलाते रहें, क्योंकि मोदी जी से बढ़ के हमें कोई प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता और ना मिल आगे आने की कोई ऐसी हमें वो दिखती है। तो बस यही कामना है कि जैसे खट्टर जी ने इतना बढ़िया कार्यक्रम किया है, मुझे ऐसे लगता है कि हमारे 20 दिन ये कार्यक्रम चल रहे हैं और इस 20 दिन के कार्यक्रमों में सबसे बेस्ट कार्यक्रम आज था। अगर नाप तोल की जाए तो इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा एक इम्प्रेशन, एक मोदी जी का एक माहौल बनाया हुआ है खट्टर जी ने। मुझे बहुत खुशी हुई कि एक हवन के माध्यम से हम मोदी जी को एक आशीर्वाद मिल रहा है, आर्य समाज का मिल रहा है। यहाँ अड़ोस पड़ोस से भी लोग आए हुए हैं, पार्क में बच्चे हैं जो इनके गुरुकुल में पढ़ते हैं, सभी बच्चे हैं। सो बड़ा अच्छा लग रहा है। आदिवासी क्षेत्र से छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे आज यज्ञ हैं। आदिवासी क्षेत्र से ये तो बहुत हिम्मत का काम करते हैं हमारे खट्टर जी, ये तो बार बार कहना मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन कहने वाली बात है ये कि जो खट्टर जी सेवा कर रहे हैं और चुपचाप करते हैं, उनका दिखता नहीं है, वो शोर नहीं मचाते कि मैं जा रहा हूँ, मैं आदिवासी बच्चों को लेके आ रहा हूँ, मैं उनको यहाँ रख रहा हूँ, कोई दिखावा नहीं उनके किसी काम में। ये सच्चाई अभी आचार्य जी ने भी बोला, मैं लाइनें तो भूल गई लेकिन बहुत अच्छा बोला, एक्चुअल में खट्टर जी वो ही है। आदिवासी क्षेत्रों से बच्चे आए हैं जो आज यज्ञ करे 71 को भी, क्या संदेश देना चाहेंगे? बस हमारा ये संदेश है, यज्ञ का मतलब श्रेष्ठतम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म करना ही यज्ञ है। तो हमारा ये संदेश है, किसी के गम के आंसू निकाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारी हृदय की चुभन कम होगी जरूर, किसी का पैर का कांटा निकाल कर देखो। तो नरेंद्र मोदी जी विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, खट्टर जी को पूरी टीम को शुभकामना देते हैं कि 71 कुंडी यज्ञ किया गया। और मित्रों, हम लोग जन्मदिन का कहते हैं हम अपने बच्चे का जन्मदिन धूमधाम से मनाएंगे, तो धूमधाम का मतलब बहुत बड़ी पार्टी देना नहीं है, टेंट लगाना नहीं है, ये बड़ा गहरा शब्द है। एक है धूम और एक है धाम। धाम का मतलब स्थान, जैसे अक्षरधाम बन गया, योग धाम बन गया, और धूम का मतलब हुआ धुआं, अर्थ क्या हुआ, जिस स्थान में यज्ञ की धुआं हो उसी को धूमधाम कहते हैं। तो आज वाकई में नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, ये बहुत बड़ी बात है। आज जयसवाल जी, हमने सभी ने, रानीबाग क्षेत्र की जनता ने मिलकर के मोदी जी के 71वें जन्मदिवस को
मनाते हुए जो 17 सितंबर को था और 20 दिन तक पूरे भारतवर्ष में सेवा समर्पण के कार्यक्रम चले, उसी के तहत आज 7 तारीख को अंतिम दिन होते हुए हमने रानीबाग की क्षेत्र की जनता ने 71 कुंडीय यज्ञ करके हमने मोदी जी की दीर्घायु की कामना की, ताकि हमारे राष्ट्र के यशस्वी जो प्रधानमंत्री हैं वो जिस प्रकार से आज कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ, इसी प्रकार ईश्वर उन्हें शक्ति देता रहे, वो कार्य करते रहें और भारत की जो कीर्ति, भारत का जो यश उन्होंने विश्व में फैला दिया वो और अधिक फैलता रहे और अधिक उनके माध्यम से सुदृढ़ होता रहे भारत। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आज हमने यज्ञ कराया। हमारे जो ब्रह्मा, हमारे आज के आदरणीय आचार्य चंद्रशेखर जी, इन्होंने सुंदर यज्ञ करा करके आज के इस माहौल को जो है एक श्रद्धामय माहौल में बदल दिया। तो मैं आदरणीय आचार्य जी का भी धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय हमारे जो क्षेत्र के जो जनता है यहाँ की, उसका भी मैं आभारी हूँ। 71 कुंडी यज्ञ का क्या महत्व होता है इकट्ठे साहब? इसलिए कि मोदी जी 71 वर्ष के हो गए, इसलिए हमने 71 कुंडी यज्ञ किया। यज्ञ तो एक कुंड में भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि मोदी जी 71 वर्ष के हो गए, इसी हमने भावना के साथ 71 कुंड आज यहाँ पर रखे और उसको हमने प्रभु से प्रार्थना की उनकी दीर्घायु। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। अगर आप जनमत की पुकार को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें।